पूर्णियापुर प्रखंड के रानी पत्रा बाजार में अमर शहीद CDS विपिन रावत एवं उनकी पत्नी सहित 11 जवानों के हेलीकॉप्टर क्रैश में दर्दनाक हादसे में मौत को लेकर स्थानीय जिला पार्षद राजीव सिंह के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में पहुंचे लोगों ने भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए रानी पत्रा चौक से गांधी चबूतरा तक कैंडल मार्च निकाला। लोगों ने अमर रहे के नारे लगाए। वहीं उपस्थित जीप सदस्य राजीव सिंह ने कहा कि भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS शहीद विपिन रावत एवं उनकी पत्नी सहित 11 जवानों का आकस्मिक निधन देश के लिए अपूर्णीय क्षति है। इस देश के नौजवान उनके दिखाए मार्ग पर हमेशा चलने का काम करेंगे। हम उनके प्रति अपना दुख व्यक्त करते हैं एवं अमर शहीद विपिन रावत जी के पूरे परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं। वहीं चांदी पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि चंदन कुमार उर्फ पिंटू वर्मा एवं सरपंच प्रतिनिधि बलवीर प्रसाद ने शहीद हुए जवानों को अपना श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि हमारा देश को बहुत बड़ी क्षति हुई है जिसको कभी पूरा नहीं किया जा सकता है। शहीद हुए सभी जवानों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। वहीं कैंडल मार्च में चांदी पंचायत के समिति प्रतिनिधि मुस्लिम दीवान अनंत शाह, राणा कुमार दास, गुलपू झा मोदी पोद्दार, कन्हैया संजय शाह, कुमार छोटू कुमार डंपू शाह, राजेश पोद्दार, विनय झा, रमेश श्रीवास्तव, विक्की चौधरी के अलावा सैकड़ों लोग मौजूद रहे। जी बताएं राजीव जी, अभी श्रद्धांजलि सभा को लेके एक रानी पत्रा में निकाला गया कैंडल मार्च निकाली गई है, क्या है कैंडल मार्च? देखिए हमारे देश के लिए बहुत ही अभी दुखद का घड़ी है। पिछले दिनों जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ उसमें हमारे देश के सभी जांबाज सिपाही, भारत माता के सपूत और इस देश के प्रथम CDS विपिन रावत जी के साथ उनकी धर्म पत्नी और सभी देश के मने जांबाज सिपाही सेना हमारे सपूत 14 लोग जो उसमें शहीद हुए हैं उनके प्रति आज हम लोग यहाँ श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए कैंडल मार्च निकाले हैं और अपील करेंगे जिस देश के सपूतों के लिए हर जगह इस तरह का आयोजन हो यह हमारे देश के लिए बहुत ही बड़ा दुख का घड़ी है और हम लोगों के लिए बहुत बड़ा नुकसान हुआ है जिसका भरपाई कर पाना असंभव अभी लग रहा है। इस तरह के जांबाज वीर सपूत हमारे बीच में फिर कब आएंगे, कौन आएंगे कहना मुश्किल है। इसके लिए आज इस रानी पत्रा की धरती पर हम सभी नौजवान मिलकर, सभी प्रतिनिधि मिलकर हम लोग आज उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आए। कहाँ से कहाँ तक ये रैली? ये रानी पत्रा चौक से होते हुए गांधी प्रतिमा के नजदीक हम लोग इसका समापन कर रहे हैं। मार्च निकाली गई है रानी पत्रा में, क्या कैंडल मार्च है, क्या अभी भारत के लिए बड़ा दुखद मने समय है और भारत के प्रथम CDS विपिन रावत उनकी पत्नी समेत 13 जाबाज जवान शहीद हुए जिसकी क्षतिपूर्ति नहीं की जा सकती है भविष्य में। ऐसे ही खबरों के लिए करें C24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।